सो गाइस खाली करके निकल चुके हैं और इस रोड में टर्निंग काफी ज्यादा है, चलते हैं आगे दिखाएंगे। अगर छोड़ देगा तो गाड़ी एकदम जाएगा सीधे खाई में। आवाज कर रहा है, जब ये रखा हुआ है आवाज कर रहा है। तरह से जुगाड़ होगा, लगा इसे काम चलेगा, इधर लगा फिर इसमें लगा, मतलब ढुला। सो गाइस अपना डायरेक्ट ब्लॉग कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। सामने दुकान है और गाड़ी रोड पे है और उधर गाड़ी लगाना है, पूरा ढुलाई है पर वहाँ पाल काम ही नहीं कर रहा है। अगर छोड़ देगा तो गाड़ी एकदम जाएगा सीधे खाई में। गाड़ी पर से हम उतर भी नहीं सकते हैं जब तक डिसीजन ना, हैंड ब्रेक नहीं। किसी तरह से जुगाड़ होगा, लगा इसे काम चलेगा, इधर लगा फिर इसमें लगा, मतलब ढुलाई इतना ना है, 50 फीट कम से कम खाई है पीछे। और इधर रोड पर गाड़ी लगाना पड़ा, ये हैंड ब्रेक न होने के कारण। अब इधर से भी रिक्शा टर्निंग है, गाड़ी उड़ी आएगा तो अभी पूरा फुल रिक्स में ही चल रहा है गाड़ी। और ये चक्का में भी लगा हुआ है पीछे सब तरफ पूरा। और अपने डाला वाला खोले, खाली होना स्टार्ट होगा। और ये रहा, देख रहे हैं इतना खाई है, दिखाई मोबाइल में कम दे रहा हो, 50 फीट से ज़्यादा होगा। अब पूरा बैक में, मतलब बैक में पूरा ही ढुलाई है। इस पर प्रेशर, इस पर तो थोड़ा कम प्रेशर पड़ा है, प्रेशर पड़ा हुआ उस पर जो लगाए थे फर्स्ट बार। और हम हैं अभी गोपीगंज में और मार्केट में, एकदम जस्ट मार्केट से थोड़ा सा लास्ट में दुकान है, गोडाउन है, वहाँ पे खाली हो रहा है। और चलते हैं नाश्ता लाने, नाश्ता का दुकान पीछे भी है और पूरा मार्केट है तो नाश्ता का दुकान तो बहुत है, पर ला के गाड़ी में खाना होगा क्योंकि कब उसका ये फेल हो जाएगा। और गाड़ी पर रहेंगे तो कम से कम ब्रेक तो पकड़ेंगे, गाड़ी पर ही बैठना पड़ेगा जब तक खाली हो तब तक, क्योंकि जब माल उतारेगा तो धराम 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 आवाज़ करेगा। और जंगलपुर से लोड करके लाए थे, जंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया। और चलो देखते हैं क्या करना है आज, एगो तो टेंशन का घर खड़ा हो ही गया, कब तक इसके क्लियर होता है। सो फाइनली गाइस अपना गाड़ी तो खाली हो रहा है और हमको ऑर्डर मिला है गाड़ी में बैठने का, तो बैठना भी जरूरी है क्योंकि उतना ढलान पर लगा हुआ है पाल का भरोसा, मतलब गाड़ी पूरा लोड है, 18 टन मतलब गाड़ी में माल है। गाड़ी खाली गाड़ी रहता वो तो ढूलने लगता है, जितना ढुलाई पर उतना में खाली गाड़ी ढूंढने लगता है, ये तो लोड गाड़ी है। किसी तरह से लगाया है, चारों चक्का में पाल उल दिया है पीछे वाला में, पर तपर बढ़ना जरूरी है क्योंकि रिक्स लेना सही नहीं है, पूरा पीछे 50 फीट ढलान है, उससे कम तो होगा। और देख रहे हैं क्या करना। और एक बात सही हुआ का, जो सामने नाश्ता दुकान था पर नाश्ता दुकान में नाश्ता नहीं किया, यहाँ पे लेकर आए हैं। और ये रहा, कल बिरयानी लिए थे तो एक ठो एक्स्ट्रा दिया था, ये दो ठो लिया था तो एक एक का नहीं जरूरी पड़ा। और यही में डालेंगे और खाएंगे, और यही मिला है गुरु, और मार्केट ही है पूरा, पर था तो बहुत कुछ, पर इधर से जाना नहीं ना, इधर ही रहना है गाड़ी के पास, तब तक काम चलेगा यही से, क्या करना। अब मिलते हैं खाली होने के बाद, चाहे हो सकता है कुछ गाड़ी खाली हो जाए, हौला हो जाए, उसके बाद उतरेंगे क्योंकि अभी तो गाड़ी लोड है, अभी उतरना सही नहीं है। सो गाइस अभी गाड़ी से उतर गए थे और इतना गाड़ी खाली हो गया, थोड़ा सा और माल है अभी तो जाने में, मतलब इतना ढुला है, देख रहे हैं, हो सकता है कैमरा में कम दिख रहा होगा पर बहुत ज़्यादा ढुला है, वहाँ से किसी तरह से अटका है, देख रहे पूरा एकदम इधर खाई का ही है, ढुलाई है पूरा यहाँ तक, मतलब हम बोले थे इधर तक बैक कर देते हैं पर बैक करने के बाद लेबर लोग को फिर उल्टा पड़ जाएगा ना, उधर चला जाएगा, खाली हो रहा है ये गोडाउन में। और इधर का ये रहा माहौल, बिल्कुल गांव टाइप का फील आता है, पर बस थोड़ा सा उधर साइड में मार्केट है
बस। और चलते हैं, इंतजार करते हैं, खाली होगा उसके बाद चलेंगे, बताएंगे। तो गाइस अपना गाड़ी खाली हो चुका है और दिखा रहे हैं इधर से, उधर ढलान है, उधर माल अभी एक दो बंडल खाली हो रहा है, उधर से रिक्स हो जाएगा। और ये रहा खिड़की, खिड़की खुला और ये रहा बिल्कुल खाली। लगाते हैं इसको। सो गाइस खाली करके निकल चुके हैं और इस रोड में टर्निंग काफी ज्यादा है, चलते हैं आगे दिखाएंगे। पूरा जिग-जग टाइप का रास्ता है और इससे तो और हेवी था 500 मीटर जो मार्केट था, गोपीगंज मार्केट, पूरा बैगन फैगन पूरा रोडे पर बेचता था सब्जी। एक जन को बैठा कर लाए लेबर वाले को, तब जाके गाड़ी पास होने तो पास होने ही नहीं देता। पूरा रोड पर ही मार्केट लगा हुआ था। हम रात में गए थे, उसी समय मालूम चल गया था ये निकलने वाला रास्ता नहीं, चल रहा है उसके बाद दिखाते हैं। और इधर लगता है बालू उलू का, इधर खदान थोड़ा ज्यादा लगता है, खदान है कि नहीं मालूम नहीं, पर बालू का कारोबार इधर ज्यादा है। और ये रहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, मतलब ये अभी थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा उसके बाद फिर जिग जाएगा। वाह आवाज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा गाड़ी रोके हैं इसलिए बहुत आवाज करता है, झनझन झनझन, इसमें का प्रॉब्लम है भाई, इसको रखना होगा इधर, बहुत आवाज करता है, तो दिमाग खराब हो गया। और यहाँ पे रोके थे जगह देख के, मतलब पीछे का लाइन जो है ना सोझा सीधा रास्ता पूरा सीधा है, इसीलिए रोक गए, टर्निंग इतना है इस रास्ते में, चलिए चलते हैं कंटिन्यू। और अभी हल्का फल्का आवाज कहाँ है, वही जग आवाज कर रहा है, जग रहा पूरा पूरा 10 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, आगे से फिर टर्निंग है, बाइक उगाता है छोटा छोटा गाड़ी। रात में तो आए थे तो रात में भी धीरे धीरे ही आते थे, पर रात में एक चीज होता है जो लाइट बढ़ते रहता है गाड़ी का ना, तो दूर से पता चल जाता है सामने से गाड़ी आ रहा है, पर दिन में ये चीज़ तो नहीं होता है, दिन में थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और अभी स्कूल का छुट्टी भी हुआ है, मतलब जहाँ 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 स्कूल है वहाँ वहाँ थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। आवाज नहीं बंद हुआ जब तक, क्या ही बोला यार। सुबह से हम रास्ता से तो निकल गए हैं और अभी है रास्ता में दिखा रहे, और वो रास्ता से निकलने के बाद ये रहा मेन रोड, और यहाँ से सीधा 8-10 किलोमीटर जाने के बाद आएगा मुंबई कोलकाता हाईवे, शायद वही तो नाम है उसका, ऐसे कोलकाता के तरफ जो बढ़ता है वो रोड आएगी हाईवे। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और एंड टाइम पर वाईफाई खराब, और सामने रहा वो ब्रिज, उसके नीचे हमको मेन हाईवे पकड़ना है, कोलकाता मुंबई हाईवे, ब्रिज का ऊपर चढ़ना है तो साइड से बांध लेंगे इधर से। और ब्रिज के बगल बगल से चल रहे हैं और थोड़ी देर में हाईवे पकड़ लेंगे, और बारिश के कारण हल्का कम दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वाइफर खराब हो गया मेन टाइम में, खराब नहीं उसका जो वो स्लिप कर गया उसको टाइट करना होगा।
इधर से अपने हाईवे स्टार्ट, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा शायद, हाँ 9-10 किलोमीटर होगा। सुभाष चल रहे हैं चाय पीने और कोयलाघाट ब्रिज पार करके और जस्ट यही रुके हैं, कन्फर्म इस जगह क्या नाम है मालूम है, और चाबी निकाल लेते हैं ठीक रहेगा। गाड़ी इतना लगा हुआ है, मतलब रोड से साइड करके लगा, पीछे और था चार दुकान और जगह नहीं मिला इसलिए नहीं लगा, और इधर रोड के बगल में वाली बात नहीं है, साइड में है, जस्ट चाय पी के थोड़ा देर में ही निकलेंगे। सामने अभी दोपहर का टाइम है, पता नहीं चाय मिलेगा कि नहीं, या दुकान रहा, ये दुकान बोलो रेस्टोरेंट बोलो टी स्टॉल। सुभाष चाय के लिए अब निकलते हैं, अब मिलते हैं डायरेक्ट एक बार कंपनी में, गेट तो खुला ही छोड़ के चल रहे ठीक है। सुभाष हम कंपनी में पहुंच चुके हैं और सामने का नजारा दिखा रहे हैं, सामने का नजारा, कंपनी को जाना पहचाना होगा अगर कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तब। इसमें ईटा लोड होता है छोटा इंच जो रोड बनता है, ये वाली रोड बनता है वो वाला ईटा, कंटिन्यू बने रहिए, दिखाते हैं आगे का नजारा क्या करना होता है लोड या नहीं होता। इसमें तो हमारे दिन एक बार रह कर गए ही हैं, पर आज देखिए 5-6 नंबर में शायद हम हैं। सुबह सभी रात का बज रहा है 7 और अपना गाड़ी अब लोड होगा, और लोड ही बगल में लोड हो रहा है, इससे पहले मेरा गाड़ी लगता, पर हम थोड़ा गए थे मार्केट राशन लाने, तब तक मतलब यहाँ मतलब मशीन गाड़ी लगा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में लगा लिया, और लगा लिया तो दिक्कत नहीं है, मेरा भी लोड हो जाएगा, बात की है जो लोडिंग करवाते हैं उनसे बात किया तो मेरा भी हो जाएगा, इसलिए बोले 5-10 मिनट खेला लगाने तो मशीन से लोड होता है, 10 मिनट से 15 मिनट में लोड हो जाता है गाड़ी, तो इंतजार कर लो क्या, क्योंकि पॉइंट पर लगाए हुए हैं तो हटवाना सही बात नहीं। चलिए यहाँ से ब्लॉग तो करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ का प्रोग्राम है और कहाँ जाना है।